हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर, जोनल डीसीपी, एसीपी सहित थाना प्रबंधक के साथ बैठक ली। इस बैठक में पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के साथ मौजूद तीनों महिला थाना प्रबंधक, साइबर थाना प्रबंधक के अलावा सभी थानों के एसएचओ टेली कॉन्फ्रेंस द्वारा जुड़े रहे। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि महिला आयोग का कार्य पुलिस विभाग से जुड़ा है और जो भी केस सुलझाए जाते हैं पुलिस विभाग की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस विभाग उनकी सुनवाई नहीं करता, इसलिए महिला आयोग और पुलिस विभाग ने कई अभियान एक साथ मिलकर चलाने पर चर्चा की। पुलिस विभाग और महिला आयोग दोनों ही जनता की बात सुनते हैं, जहां पर न्याय मिल रहा है वहां मिलकर रहेगा। मैडम, आज आपने सीपी ऑफिस में मीटिंग में हिस्सा लिया, क्या पर्पस था? आज का जो एजेंडा हमारा था वो बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा था। महिला आयोग का जो कार्य है वो पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है और जो भी हम केसेस सॉल्व करते हैं उनमें पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी भागीदारी हमारे साथ होती है। लोगों को एक बात का क्रश रहता था हमेशा कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती, इसीलिए आयोग और पुलिस ने मिलकर कई अभियान एक साथ चलाने की आज चर्चा की और ये मैसेज देने का प्रयास भी हम करना चाहते हैं कि पुलिस और आयोग दोनों आपकी बात को सुनते हैं। जहां पर न्याय आपको मिलना है वहां मिलके रहेगा और जहां पर कोई बात गलत है, किसी को सजा मिलनी है, किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी है, वो डेफिनेटली होगी। इस बात का क्रच किसी को नहीं रहना चाहिए कि कोई कार्य नहीं कर रहा। तो इस संदर्भ में हमने एक संयुक्त बैठक रखी, सभी एसएचओस उस बैठक में कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े। इसके अतिरिक्त कमिश्नर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्वयं समय दिया और पूरा समय हमारी बात को सुना, हमारी ग्रीवेंस भी सुनी और जो हम आगे मिलकर करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे साथ साझेदारी करने के लिए उन्होंने सहमति जताई। हम लोग मिलकर कई स्कूल कॉलेजेस में साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम